नए वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल साधक परिवार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूले। आज गीता जयंती का पर्व है तो सूरत की अलग अलग जगह से विविध स्कूलों से बच्चे आए थे। उन्होंने गीता जयंती का निमित्त पाठ किया गीता का और कीर्तन यात्रा भी निकली। अच्छी तरह लोगों ने गीता जयंती का उत्सव मनाया। आज मोक्षदा एकादशी का पवित्र दिन है। उसी दिन भारत भर में और गुजरात के सभी आश्रमों में गीता जयंती का हम उत्सव मनाते हैं। इस दिन गीता जी का प्रागट्य हुआ था, तो ये इतना बड़ा ग्रंथ है, इतना वैभव, इतना प्रभावशाली ग्रंथ है कि पूरे दुनिया के कोई भी ग्रंथ के सामने कोई तुलना नहीं हो सकती। ऐसा पवित्र ग्रंथ है, उसका हम पूजा करते हैं और बच्चों को ये सीख देते हैं कि गीता का हर रोज एक श्लोक का पठन करना चाहिए। आज सूरत आश्रम में पूरे सूरत में से कई कई स्कूलों के कई बच्चे इधर आए और उन्होंने आज गीता पूजन किया। और अभी गीता जयंती के निमित्त कीर्तन यात्रा भी रखी गई है। इस कीर्तन यात्रा का महत्व यही है कि घर घर तक गीता पहुंचनी चाहिए और गीता जी का ज्ञान घर घर तक पहुंचेगा तो घर अपने आप उजाला हो जाएगा। आज गीता जयंती का पर्व था, उस निमित्त संत श्री आश्रम जी आश्रम सूरत के अंदर विविध सूरत शहर के विविध स्कूल के बच्चे यहाँ उपस्थित हुए और सभी बच्चों ने गीता जयंती के ऊपर श्लोक का पठन किया। और जो बच्चे को जानकारी नहीं थी कि आज क्या पर्व है, उसको भी जानकारी मिली। उसके बाद कीर्तन यात्रा आश्रम से निकालते हुए जहांगीरपाड़ा विस्तार से घूमती हुई यहाँ आश्रम में पुनाहुति हुई। मैं आज़ाद हिंदी विद्यालय की आचार्य बोल रही हूँ। यहाँ पर गीता जयंती के उपलक्ष्य में आश्रम में कार्यक्रम आयोजन किया गया था। इस वजह से हमारे विद्यालय के बच्चे और अध्यापकगण यहाँ पर आए हुए थे और कार्यक्रम बहुत ही अच्छा हुआ। बच्चों को संस्कार मिला, यहाँ कुछ ज्ञान की चीज़ें मिली और यहाँ के सद्भक्तों ने भी बहुत अच्छा बच्चों को ज्ञान दिया और बच्चों को भी अच्छा लगा और हमें भी अच्छा लगा। मैडम, ऐसा कहीं पहले कार्यक्रम हुआ था कि पहली बार मतलब आपके बच्चे यहाँ? पहली बार ये कार्यक्रम हुआ और हमें बहुत अच्छा लगा। बच्चे तो और सारे अध्यापक यही चाहते हैं कि अभी हर बार ये प्रोग्राम होना चाहिए, इस तरह का प्रोग्राम। हाँ, भगवत गीता जयंती के बारे में बहुत से बच्चों को मतलब पता नहीं था कि आज गीता जयंती, तो यहाँ आश्रम में आने के बाद ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे तो बच्चों को ये संस्कार मिलते रहेंगे और हिंदू धर्म का भी मतलब आगे बढ़ावा मिलेगा और पता चलेगा कि गीता जयंती क्या है। हिंदू धर्म में बहुत से बच्चों को ये नहीं पता कि गीता क्या है, उनके ग्रंथ के बारे में पता नहीं था। यहाँ आने के बाद बच्चों को पता चला कि हमारे ग्रंथ के बारे में क्या है क्या नहीं, जानकारी ये सब उनको मिली है। मैं माया राजपूत बोल रही हूँ, मैं सेंट मार्क स्कूल में पढ़ाती हूँ, टीचर हूँ। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके और बच्चों को जो संस्कार का बीज बोया गया है वो बच्चों को काफ़ी पसंद आ गया है। और हो सके उतनी बार आप लोग ये कार्यक्रम करते रहिए, हमको आमंत्रित करते रहिए, हमको बहुत अच्छा लगेगा। हम मेरा नाम वंदना मिश्रा है, मैं आज़ाद हिंदी विद्यालय सेंट मार्क्स पब्लिक स्कूल से आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आने के बाद, गीता के बारे में जान के यहाँ पे आने के बाद, यहाँ के आश्रम के लोगों को देख के और आश्रम में जिस चीज तरीके से हर चीज़ का आदर सम्मान और भागवत गीता के बारे में जो चीज़ हमें जानकारी मिली बहुत अच्छा लगा। मैं राजन सिंह, यहाँ पर हमको आके बहुत अच्छा लगा, हमें
पूजा भी करवाया गया और बहुत अच्छी शिक्षा दी हमें यहाँ पर। भगवत गीता जयंती थी आज, मालूम था कि आप लोगों को? नहीं, आज हमें यहाँ पर आके बताया गया कैसे होता है भगवत गीता जयंती और बताया गया। और क्या सीखने को मिला के भगवत गीता के विषय में, और क्या यहाँ से बताया गया? बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा दी गई यहाँ पर। यहाँ पर सिखाया गया कि गीता का हर रोज एक श्लोक पढ़ना चाहिए और माता पिता के हरदम पैर छू के स्कूल ही जाना चाहिए, ये सब हमें सिखाया गया यहाँ पर। माई नेम इस मिश्रा प्रियांशु, मैं स्टीमर स्कूल से आया हूँ। मैं यहाँ पे कभी नहीं आया था, मेरे को यहाँ पे आने का मौका मिला। मेरे हमारे टीचर ने स्कूल से हमको लेकर आया, यहाँ पे अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाए, यहाँ पे अच्छी अच्छी चीज़ हमको देखने को मिली। सिखाया गया कि कैसे हमको बड़े के साथ आदर करना चाहिए, मम्मी पापा का पैर छूकर आना चाहिए, हमको ये सब आदर चीज़ सिखाई गई। हमको यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम सिंह सेजल है और मैं आजाद हिंदी विद्यालय से आई हूँ और मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। संडे को प्रोग्राम रखा गया था, गीता जयंती है आज, तो इसके उपलक्ष में हमें यहाँ पे बुलाया गया था। यहाँ पे हमारे लिए बहुत सारी ज्ञान की बातें है, हमें सुबह उठ के क्या करना चाहिए, हमारे बड़ों की आदर किस तरह करना चाहिए, और यहाँ पे ये तक बताया गया कि हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या हानिकारक है और हमें क्या खाना चाहिए। यहाँ का मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ के प्रोग्राम। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम सिंह, मैं संधि में कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि हम लोग आश्रम में आए, बताया गया हमें सुबह उठ के क्या करना चाहिए जिससे हमारी याद शक्ति बढ़े। बहुत लोग बच्चे रटते जाते पर उनको याद नहीं हो पाता, वो एग्जाम के टाइम भूल जाते। उसके कारण हमें ये बताया गया कि हमें एग्जाम के टाइम पे याद करना चाहिए शांति मन से। अगर हम याद करेंगे तो हमारे दिमाग में बैठेगा, जो हमारे एग्जाम में मार्क्स अच्छे आएंगे, हमें किसी चीज़ की जरूरत। और इधर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई गई जो मुझे बहुत पसंद आई। मैं अपनी मम्मी पापा को बोल के एक बार यहाँ पे जरूर आना चाहूँगी। आज जो भगवद गीता जयंती है तो पूरा भारत में सभी आश्रम में सभी समिति वाला मना रहे, तो हमने भी सूरत आश्रम में बाल संस्कार केंद्र के द्वारा आज भगवद गीता जयंती के निमित्त कई सारे स्कूलों के बच्चे आए थे और बच्चे को अच्छे संस्कार सिखाया, भगवद गीता का पाठ कराया और 25 दिसंबर को तुलसी पूजन करने के लिए भी उसको सिखाया और आगे कई सारे कीर्तन यात्रा भी निकाला और बच्चे बहुत खुश हुए और शिक्षक लोग भी खुश हुआ। और आपने देखा आज संत आसाराम जी बापू आश्रम के अंदर गीता जयंती के उपलक्ष में एक भव्य हरिनाम संकीर्तन यात्रा का आयोजन हुआ और श्रीमद् भागवत गीता का पूजन हुआ और यहाँ पे सूरत के विविध स्कूलों से आए हुए बच्चों ने बड़े धामधूम से ये उत्सव मनाया गया। कैमरामैन अंजन के साथ नीलेश ठक्कर, संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम, जहांगीरपुरा, सूरत से रफ्तार न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं, नए वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल।